पठान को किया बॉयकॉट तो लेना पड़ेगा एलोन मस्क से पंगा। जी हाँ, शाहरुख खान के सपोर्ट में आए एलोन मस्क। गुड न्यूज़ फॉर शाहरुख खान के फ्रेंड्स के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर पर बॉयकॉट पठान करने वालों की वाट लगी पड़ी है। आपको बता दें कि हाल ही में पठान का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है जो कि शाहरुख खान के फैंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इसी के साथ साथ बॉयकॉट टीम भी एक्टिव हो गई है फिल्म पठान को बॉयकॉट करने के लिए। लेकिन इस समय शाहरुख खान के फिल्म पठान को बॉयकॉट करने वालों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ट्विटर का मालिक बदलने का असर बॉलीवुड को भी साफ साफ दिखने लगा है। शाहरुख खान की फिल्म बॉयकॉट करने वाले ट्रोलरों को अपने ही गालों पर जोरदार तमाचा खाना पड़ा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो जितनी बार ट्विटर पर बॉयकॉट पठान ट्रेंड करने की कोशिश की गई है, उतनी ही बार ट्विटर ने इसके एल्गोरिथम को चेंज कर दिया है, इसके एल्गोरिथम को बदल दिया है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी? क्या आपको लगता है कि ये फिल्म आदि पुरुष को पीछे कर पाएगी? आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।